गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो है दो टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है सब्सिस्टेंस फार्मिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, और दूसरा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया। तो इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ये दो पीरियड को आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दो टॉपिक है ये काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। और ये एक स्वेंट जो है ये बोला कि सर इसको जो है एक बार आप फिर से बताइए, इसको रिवाइज कीजिए। तो इस चीज़ को आज जो है हम इसको क्लियर करने जा रहे हैं कि व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग ब्रिटिश पीरियड में होता था या नहीं होता था उसके ऊपर में। ना सबसे पहले देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है पहले उसको हम लोग देखते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ए फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच नियरली ऑल ऑफ द क्रॉप्स और लाइव स्टॉक रेस्ड आर यूज टू मेंटेन द फार्मर एंड द फार्मर्स फैमिली लिविंग लिटिल इफ एनी सरप्लस फॉर सेल और ट्रेड। सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपको वो फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपको वो फार्मिंग है जिससे आपको मार्केट सरप्लस नहीं हो पाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो फार्मिंग है, जो फार्मर्स आपको उपजा रहा है कोई भी फसल क्रॉप्स, तो उससे उसको केवल इतना ही इनकम जनरेट हो पा रहा है जिससे कि वो अपने आप को, अपना फैमिली को वो खाना भोजन दे सके, ठीक है। वो इतना ही उपजा पाता है जितना कि उसका परिवार का भरण पोषण होगा, या फिर जो आपको नॉन फार्मिंग रिलेटेड जो आदमी है, जो फार्मर्स नहीं है, उसका जो है भरण पोषण कर सके एक छोटा आपको एरिया में, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ब्रिटिश टाइम में, ठीक है, या ब्रिटिश टाइम से पहले जो इंडियन फार्मर्स था, इंडियन एग्रीकल्चर का जो हम लोग फीचर देखते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, उसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी आपको एक फीचर है। तो और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होता था। इन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जनरली फीचर्स स्मॉल कैपिटल फिनांस रिक्वायर्स, में ज़्यादा पैसा की जरूरत होता नहीं था। मिक्स्ड क्रॉपिंग जो मिक्स टाइप का होता था। लिमिट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, जो एग्रोकेमिकल्स हैं जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब का यूज नहीं होता है। ये आपको जनरल फीचर आपको हम बता रहे हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, ठीक है। अभी भी जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग यदि कहीं हो रहा है तो वहाँ भी यही फीचर्स है। उसके अलावा अनइम्प्रूव्ड वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स का जो वैराइटीज हैं वो आपको इम्प्रूव नहीं है। जैसे हाई लिंग वैराइटी ऑफ क्रॉप जो है, आपको आजकल धान हो चाहे गेहूँ हो, हर एक में आपको हाई यील्डिंग वैरायटी जो बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी देता है, वैसा सीड्स को यूज किया जा रहा है, मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, नहीं हो पा रहा, पहले ऐसा अवेलेबल नहीं था, तो आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग का आपको एक एग्जांपल है। उसके अलावा जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है उसमें जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, उसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। जो मशीन्स है उसको यूज नहीं किया जाता है, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी जो है आपको पर हेक्टेयर जो आपको आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो काफ़ी कम होता है। तो ब्रिटिश टाइम में आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है होता, और इसका जो मेन वजह वो ब्रिटिश ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल क्रॉप जो है, जो उपजा रहा है, वो केवल खुद खाने के लिए उपजा रहा है, यानी कि केवल क्रॉप के फॉर्म में इसको नहीं देखना है, मनी के फॉर्म में भी इसको आप देख सकते हैं कि क्रॉप जो हुआ उसको बेचने के बाद जो उसके पास में जो इनकम हुआ, उसके पास में केवल उतना ही इनकम हुआ जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके,
तो मान लो सपोज डैट कि एक फार्मर जो है वो 200 रुपया का धान जो है राइस जो है उसको उगाया 200 रुपया का, यानी कि वो राइस उगाने के बाद उसको बेचा, उससे 200 रुपया उसका इनकम हुआ। तो ये 200 रुपया इनकम जो है इससे वो जो है अपना परिवार का भरण पोषण कर सकता है, सफिशियंट है, ठीक है, खुद के लिए। अब उससे यदि एक्स्ट्रा उसको ज़रूरत पड़ेगा तो उसको वो फुलफिल नहीं कर सकता, उसके लिए उसको कर्ज लेना पड़ेगा। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग केवल आपको एक क्रॉप के फॉर्म में नहीं देखना है कि खुद उपजा रहा है और खुद खा रहा है, इसको मनी के टर्म्स में आप देख सकते हैं, उसके पास उतना ही इनकम हो रहा है, चाहे क्रॉप के फॉर्म में इनकम हो, चाहे ये 10 केजी गेहूँ उपजाए आपको, 10 केजी राइस उपजाए, या फिर 200 रुपया का गेहूँ या राइस उपजाए, एक ही बात। तो एक्चुअली क्या करता था पोस्ट कॉमर्शियलाइजेशन में ब्रिटिश, क्या किया, ब्रिटिश क्या किया, जो फार्मर्स था, इंडियन फार्मर्स था, जनरली ये जो आपको ओनर्स नहीं था, जो फार्मर्स था वो टीलर्स ऑफ द सॉयल था, यानी कि वो केवल उपजाता था, लेकिन जो मेन ओनर था, जो मेन मालिक था ज़मीन का, वो आपको ज़मींदार था। और ज़मींदार जो है आपको फार्मर्स से टैक्स लेता था, जो कि टैक्स रेट जो है आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट करता था। उसको ये मतलब नहीं था कि उपज हुआ चाहे नहीं हुआ, प्रोडक्शन हुआ चाहे नहीं हुआ, चाहे हो सकता है कि आपको अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुआ, आपको रेन नहीं हुआ, या फिर कोई दूसरा वजह से यदि आपको नुकसान हुआ फार्मर्स को, यदि फार्मर्स के पास में आपको अच्छा उपज नहीं हुआ, उससे ज़मींदार को कोई मतलब नहीं था। ज़मींदार को केवल आपको पैसा लेने से मतलब था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट कर दिया था। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था। तो वही नहीं है, और दूसरा जो एक्सपेक्ट ये है कि फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए था रॉ मटेरियल्स, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज है उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए था, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज था ब्रिटेन में आपको, सॉरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्री नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कॉटन चाहिए था कपड़ा बनाने के लिए, जहाँ पे ब्रिटेन में आपको मशीन्स था, इंडस्ट्रीज था क्लॉथ बनाने का, तो उसको रॉ मटेरियल्स कॉटन चाहिए था। तो इंडिया को आपको, इंडिया की तरफ वो देखा, इंडियन फार्मर्स को बोला कि आप जो है कॉटन का उपज कीजिए। वही नहीं, क्लॉथ्स के लिए जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडिगो का भी ज़रूरत आपको हाई अमाउंट में पड़ता था, नील का, ठीक है, क्लॉथ के लिए। तो फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन के तहत ब्रिटिश जो है आपको ये मैंडेटरी कर दिया कि आपको अपना खेत का 3/20 हिस्सा जो है उसमें आपको खेती इंडिगो का करना ही है, 3/20, ठीक है। यानी कि यदि 20 कट्ठा, इस बिहार झारखंड हम लोग कट्ठा बीघा हम लोग जानते हैं, तो 20 कट्ठा यानी कि एक बीघा में 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना है, इसको 3 कठिया कानून बोला जाता है, 3 कठिया कानून, 3 कठिया लॉ। तो होता क्या था कि इंडिगो का खेती करने के बाद ब्रिटिश पैसा देता था फार्मर्स को, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी कम था, वो चीप रेट पे रॉ मटेरियल्स लेता था, वो महंगा नहीं लेता, जो मार्केट में जो आपको जो उसका प्राइस था उससे कम देता था वो। तो चीप रेट पे इंडिगो या कॉटन वो लेता था और उसको ब्रिटिश जो है ब्रिटेन उसको भेज देता था, और ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रीज था वहाँ पे इसका यूज किया जाता था, उसी कॉटन से, उसी इंडिगो से क्लॉथ बनता था और उसको जो है इंडिया में बेच देता था। तो अब जो पहले फार्मर्स क्रॉप्स उगाता था, धान गेहूँ उगाता था, अब उसका कमी आ गया, अब फार्मर्स को
कुछ हिस्सा में इंडिगो को उपजाना पड़ रहा है, कॉटन को उपजाना पड़ रहा है। तो इससे क्या हुआ, आपको अनाज जो है, क्रॉप जो है, धान गेहूं जो है या बाजरा जो है, जो कुछ भी उस समय था आपको क्रॉप्स, उसका सप्लाई जो है आपको कम हो जाता था, ठीक है, मार्केट में। क्यों? क्योंकि अब कुछ हिस्सा पे जो है आपको इंडिगो या फिर कॉटन या दूसरा आपको कैश क्रॉप्स को उगाया जा रहा है फोर्स कमर्शियलाइजेशन के तहत। तो सप्लाई कम होने से हम सभी को मालूम है कि डिमांड ज़्यादा है, और सप्लाई यदि कम हो जाएगा तो प्राइस बढ़ेगा, और यही होता था कि प्राइस बढ़ जाता था, और जो गरीब फार्मर्स था, जो गरीब किसान था, वो उसको खरीद नहीं पाता था, उसके पास में उतना पैसा था नहीं कि वो खरीद पाता। तो ये क्या हुआ, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही हुआ, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो था उसमें भी जो है ब्रिटिश अपना दखलंदाजी करके उसको जो है उसको बर्बाद किया, फार्मर्स को उस लायक नहीं बनाया कि वो जो है मार्केट के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, बल्कि उस लायक बना दिया कि और कम प्रोड्यूस करे। तो पैसा तो दे देता था आपको इंडिगो के बदले में, कॉटन के बदले में, लेकिन वो पैसा सफिशियंट नहीं होता था फार्मर्स के लिए। यदि फार्मर्स इंडिगो को या फिर कॉटन को यदि नहीं उपजाता, धान गेहूँ ही या बाजरा जौ ही उपजाता, तो वो क्या करता था, खुद अपना उखाता था उसी क्रॉप्स को, और लीन ईयर्स के लिए, ठीक है, या फिर साल भर के लिए वो स्टोर करके रखता था घर में, ठीक है, उसको मार्केट में बेचता नहीं था बल्कि उसको घर में रखता था, और फिर उसको जो है जब आपको कमी हो जाती थी अनाज की तो उस समय उसको यूज करता था वो, या फिर जब आपको फैमिन आ गया, बाढ़ आ गया या सुखाड़ आ गया तो उस समय जो है उसको यूज किया जाता था। तो इस चीज़ को जो है ब्रिटिश आपको ख़त्म कर दिया, एक्सपायर कर दिया, ज़बरदस्ती कमर्शलाइज करके, ज़बरदस्ती जो है फार्मर्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। ब्रिटिश जो है फार्मर्स के ऊपर में ध्यान नहीं दिया कि फार्मर्स को कैसे हेल्प किया जाए, कैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को आपको फार्मर्स के लिए दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी जो है दिया जाए, सब्सिडीज दिया जाए, फार्मर्स को जो है टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी का जो आपको मशीन्स है एग्रीकल्चर उसको प्रोवाइड किया जाए, ज़मीन दिया जाए, ये सब कुछ भी ध्यान नहीं दिया वो, क्योंकि उसको इंडियन एग्रीकल्चर से उसको इंटरेस्ट नहीं था, इंडियन एग्रीकल्चर या फिर इंडियन फार्मर्स का बेनिफिट्स से उसको मतलब नहीं था, उसको केवल एक्सप्लॉयट करना था, उसको केवल रॉ मटेरियल्स चाहिए था आपको ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसका जो मेन आपको एम था वो था ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, उसको उसका सपोर्ट करना, उसको आगे बढ़ाना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपको याद रखना है कि कैश क्रॉप जो उगाता था, इंडिगो हो चाहे वो शुगर कैन हो चाहे जो भी हो, उसके बदले पैसा जो मिलता था वो काफ़ी कम होता था, ठीक है, उससे वो साल भर जो है उसका आपको चल नहीं पाता था। यदि पहले वो जो अनाज उपजाता था उसको वो स्टोर करके रखता था घर में उसको कंज्यूम करने के लिए, उसके लिए वो ठीक था। दूसरा बात ये है कि कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए, इंडिगो का खेती करने के लिए या फिर शुगर कैन या फिर दूसरा जो आपको कॉटन इसको उगाने के लिए, उसके पास में सफिशियंट पैसा नहीं होता था। तो फार्मर्स क्या करता था, मनी लेंडर से आपको या फिर ज़मींदार से कर्ज लेता था, और उस कर्ज को लेकर के वो जो आपको फार्मिंग करता था, और खेती होने के बाद, ठीक है, इंडिगो को बेचने के बाद या फिर शुगर कैन को बेचने के बाद जो उसको पैसा मिलता था, जो उसको कैश मिलता था, वो सफिशियंट नहीं होता था। कई बार जो है वो लोन चुकाने में, कर्ज चुकाने में ही वो ख़त्म हो जाता था, ठीक है, और उसको फिर से कर्ज लेना पड़ता था खेती करने के लिए या फिर अपना जीवन चलाने के लिए, ठीक है, और वो आपको डेप्ट में, ठीक है, डेप्ट में वो फंस जाता था, डेप्ट ट्रैप में, इसको हम लोग कर्ज की जाल बोलते हैं, डेप्ट ट्रैप में वो फंस जाता था। तो ये आपको जो है सबसे बड़ा आपको चैलेंज था। वही नहीं, उस समय में आपको
जो फैमिन्स था इंडिया में वो बराबर आते रहता था, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो है, आपको जान के हैरानी होगा कि उस समय जो है क्रॉप्स ब्रिटिश के द्वारा उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। जिस समय आपको क्राइसिस होता था, जिस समय आपको अकाल पड़ता था इंडिया में, उस समय भी ब्रिटिश जो है आपको ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को बाहर सप्लाई करता था, ब्रिटेन जो है सप्लाई करता था। तो फूड ग्रेन्स का जो है, क्रॉप्स का जो है आपको सप्लाई कम होना ये लाजमी था, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उस समय इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा था इंपोर्ट से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंडियन फूड ग्रेन्स था, जो अनाज था, व्हीट, राइस, जो कुछ भी था, उसको ब्रिटिश क्या करता था, उसको बेचता था, ब्रिटेन बेचता था, उसको एक्सपोर्ट करता था। अब अंदाज लगा लीजिए कि घर में खाने के लिए है नहीं, इंडियन फार्मर्स के पास में खाने के लिए है नहीं अनाज, और उसको जो है बाहर वो बेच रहा है। तो इसीलिए जो कैश मिलता था ना फार्मर्स को ब्रिटिश की तरफ से, वो सफिशियंट नहीं था, वो काफ़ी महंगा उसके लिए साबित होता था अनाज को ख़रीदना मार्केट से। तो इसको क्या बोलेंगे, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से भी बदतर उसका स्थिति था। ठीक है, ब्रिटिश के टाइम में आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर आपको हम दिखाना चाहते, देखिए कि ये शॉर्टेज इन फूड सप्लाई लेड टू राइजिंग इन प्राइसेस के टू बनियास ग्रेन सेलर्स एडवांटेज। यहाँ देखिए आपको किस तरह से फार्मर्स जो है, जो गरीब किसान सब, किस तरह से आपको महंगाई का जो है मारे फंसा हुआ, और किस तरह से अनाज के लिए, देखिए यहाँ पे जो है फूड ग्रेन्स के लिए लाइन लगा हुआ है वो। ठीक है, और इससे प्रॉफिट किसको होता था, जो आपको जमींदार था, जो आपको ग्रेन सेलर्स था, ठीक है, बनिया था, उसको जो है उससे बेनिफिट होता था। वही नहीं, आप देखिए इस साइड में क्या है, द फेमिन बंगाल लोडिंग ग्रेन कार्ट्स नियर कलकत्ता। अब बंगाल में फेमिन था 1943 में, आपको मालूम है कि बहुत बड़ा जो है आपको फेमिन आया था, अकाल पड़ा था बंगाल में। उस समय भी आपको फूड ग्रेन्स को जो है सप्लाई किया जा रहा था ब्रिटेन, ब्रिटिश के द्वारा। इंडिया में आपको अनाज मिल नहीं रहा है खाने के लिए, मर रहा है भूखे आदमी, गरीबी से, भूख से, अनाज के अभाव में, और ब्रिटिश क्या कर रहा था, इसको भेज रहा था। ये क्या था, ये आपको बहुत ही खराब स्थिति था। ये देखिए आप, ये जो ऊपर में आप घर देख रहे हैं, ये घर किसका है, ये जमींदार का घर है, ये जमींदार पैलेस, इसको घर करना, घर बोलना इसको सही बात नहीं होगा, ये पैलेस है, महल है ये। ओके, आप देखिए ये है पैलेस, कितना बड़ा पैलेस है। यहाँ सामने देखिए पॉन्ड्स है, ये जमींदार का है, जो कि मेहनत नहीं करता था वो, उसका काम जो है आपको खेती करना नहीं था, जमींदार का काम खेती करना नहीं था, उसका काम था कि जो फार्मर्स है उससे पैसा लेकर के, टैक्स लेकर के, जो कि फिक्स था, आपका खेती हो चाहे नहीं उससे मतलब उसको नहीं था, लेकर के ब्रिटिश को देना। ठीक है, और बीच में कमीशन खाना। नीचे में देखिए आपको, ग्रेन कार्ट ड्रॉन बाय हार्ड लेबरर्स मद्रास ड्यूरिंग द फैमिन 1876-1870 तमिलनाडु सर। अब ये जो पिक्चर लिया गया, इसमें देखिए कि ये ब्रिटिश के द्वारा जो है इस ग्रेन्स को आपको कार्ट पे लाद करके इसको जो है बाहर भेजा जा रहा है इसको। ठीक है, ब्रिटेन इसको भेजा जाएगा पोर्ट पे जाकर के, इसको जो है शिप पे लाद करके फिर इसको भेजा जाएगा। या कौन खींच रहा है, देखिए इस कार्ट को, ये बैलगाड़ी है, लेकिन बैल इसको नहीं खींच रहा है, इसको आदमी खींच रहा है। तो उस समय ब्रिटिश जो है आपको फार्मर्स को, जो चीप लेबर्स था, जो गरीब को, इस तरह से यूज करता था वो। ठीक है, इस तरह से वो एक्सप्लॉइट करता था कि बैल भी नहीं बल्कि आदमी को यूज कर रहा है उसको खींचने के लिए। द फेमिन बंगाल ग्रेन बोट्स ऑन द गंगा, गंगा नदी पे देखिए ग्रेन बोट्स जो लदा हुआ है, ब्रिटिश आपको ले जा रहा है ब्रिटेन। और ये सब किस समय का, ये फेमिन का समय, जब अकाल पड़ा था, जब अनाज आदमी को मिल नहीं रहा था, उस समय का है। तो जो फर्स्ट कमर्शियलाइजेशन था, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, वो आपको एक फीचर था इंडियन एग्रीकल्चर का। ठीक है, और जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग था वो भी ठीक था, लेकिन ब्रिटिश जो है उसको और भी बदतर बना दिया, और भी उसको ख़राब बना दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग उस समय आपको ब्रिटिश के टाइम में इंडियन एग्रीकल्चर में एग्जिस्ट कर रहा था।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या फिर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हुआ कि जो गुड्स को हम लोग बाहर से दूसरा कंट्री से खरीदते हैं, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट, ठीक है, उसके बदले में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको यूज करना, यानी कि बाहर से जो कुछ भी हम लोग इम्पोर्ट करते थे, खरीदते थे दूसरा कंट्री से, उसको अब घर पे ही जो है उसका सब्स्टिट्यूट को ढूंढना, ठीक है, उसके बदले में दूसरा जो प्रोडक्ट है उसको ढूंढना, उसको यूज करना, ठीक है। लेकिन जो मेन एम था इंडिया का वो ये था कि जो बाहर से जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसको घर पे ही बनाए उसको, ठीक है, डोमेस्टिकली उसको जो है प्रोड्यूस करें, इसको बोलते हैं हम लोग इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, ठीक है, या फिर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और ये इंडिया जो है आपको 1947 के बाद, जब हम लोग को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद जो इंडिया का जो आपको स्ट्रेटजी था, ट्रेड स्ट्रेटजी था, वो यही था इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें वो क्या करता था, आपको जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो था उसको प्रोटेक्ट करता था, उसको बाहरी कंपटीशन से उसको बचा करके रखता था, ठीक है, क्योंकि बाहर से जो गुड्स आता था उसके ऊपर में आपको हाई टैक्स, जिसको हम टैरिफ्स बोलते हैं, उसको लगा देता था, और जिससे वो गुड्स क्या हो जाता था, महंगा हो जाता था, और महंगा होने के चलते इंडियन मार्केट में जो है उसको, उसका डिमांड जो है आपको कम हो जाता था। तो ये आपको स्ट्रेटजी जो है इंडियन गवर्नमेंट, आपको इंडियन इकोनॉमी जो है अपनाया, ठीक है, और टैरिफ के यानी कि टैक्स के अलावा कोटास फिक्स कर देता था, कोटास यानी कि टैरिफ एंड कोटा, ये दो आपको टूल्स था उस समय यूज किया जा रहा था। कोटास क्या होता है, अमाउंट को फिक्स कर देता था कि आप जो इतना ही बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मोबाइल की बात कीजिए, या फिर मान लीजिए आप कार की बात कीजिए, तो 100 कार ही इम्पोर्ट करना है, तो ये जो 100 कार 100 कार्स जो अमाउंट को हम फिक्स कर दिए, नंबर्स को फिक्स कर दिए हैं, ये आपको गया कोटास। टैरिफ्स हो गया कि कार के ऊपर में टैक्स लगा दीजिए, बाहर से जो भी कार यहाँ पर इंडिया में आएगा उसके ऊपर में टैक्स लगा देना, उसको लोग बोलते हैं टैरिफ्स, ठीक है। तो उसके चलते क्या होता था, जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज था, जो इंडिया का जो इंडस्ट्रीज था उसको प्रोटेक्ट करता था, ठीक है, बाहर से, क्योंकि बाहर का जो गुड्स यहाँ पे आता था वो सस्ता होता था और यहाँ का जो गुड्स होता था वो महंगा होता था, तो इसको बचा दिया उससे, बाहर का कंपटीशन से, ठीक है। तो कंपटीशन से बचाना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन कभी बुरा भी होता है। यदि कंपटीशन से बचा के आप रखेंगे तो क्या होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, और यही कारण था कि बैकफायर हो गया। इंडिया सोचा कि बाहरी कंपटीशन से बचाएंगे और घर में ही जो है आपको प्रोडक्शन होगा गुड्स का, जो बाहर से हम लोग लाते थे, इंपोर्ट करते थे, और फिर इंडिया ना केवल अपने आप को सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, बल्कि हाई क्वालिटी गुड्स को बाहर भी भेजेगा, बाहर भी एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन उल्टा हुआ, एक्सपोर्ट आपको बढ़ा नहीं, एक्सपोर्ट कम ही हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहरी कंपटीशन से हम लोग इसको बचा के रखे, और बाहरी कंपटीशन से बच के रहा इसीलिए ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं किया, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मशीन्स इसका यूज नहीं किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इसका आपको एक एग्जांपल आपको बताते हैं कि फॉलोइंग इंडिपेंडेंस इन 1947 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइवेट सेक्टर लॉन्च ए फर्स्ट टू क्रिएट एन ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू सप्लाई टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। 1947 में ऐसा गवर्नमेंट सोचा एंड प्राइवेट सेक्टर भी। इन 1953 एन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च एंड द इम्पोर्ट ऑफ फुली बिल्ट अप कार्स बिगेन टू बी रेस्ट्रिक्टेड। और 1953 में जो आपको ये जो आपको पॉलिसी लाया इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का, उससे क्या हो गया कि फुली बिल्ट अप कार्स जो है उसको आपको उसका इम्पोर्ट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। अब ये देख सकते हैं कि ये कार्स जो आपको फेमस था उस समय में, इन 1949 हिंदुस्तान 10 बिल्ट बाय हिंदुस्तान मोटर्स अंडर लाइसेंस फ्रॉम मॉरिस मोटर्स एंड यूके, ठीक है। इसको जो है आपको हिंदुस्तान मोटर्स जो है इसको बनाया, लेकिन ये किससे लाइसेंस लेकर के, तो मॉरिस मोटर्स एंड यूके से लाइसेंस लेकर के। उसी तरह हिंदुस्तान एम्बेसडर कार आपको काफ़ी फेमस कार था, और रिसेंटली 2014 तक ये बना है, ठीक है। इंडियन आपको मार्केट में यही कार आपको ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। तो बाहरी कंपटीशन से बचा करके रखना, ये आपको सबसे ज़्यादा इसका जो है नुकसान आपको हुआ।
Now in 1954, following the Tariff Commission implementation, General Motors, Ford and Roots Group, which had assembly only plants in Mumbai, decided to move out of India. और ये टैरिफ कमीशन जो आपको लाया 1954 में, ठीक है, टैरिफ कमीशन जो आपको इंडिया लाया 1954 में, जिसके तहत जो है आपको टैरिफ लगाया गया इंपोर्टेड गुड्स पे, यहाँ पे कार का एग्जांपल आप ले सकते हैं। इससे क्या हुआ, देखिए, जनरल मोटर्स, फोर्ड, रूट्स ग्रुप, ये सभी जो है इंडिया से बाहर चला गया, ठीक है, अपना असेंबली का यहाँ जो प्लांट्स था उसको यहाँ से लेकर के चला गया। तो बाहरी कंपटीशन से बचा करके क्या प्रोटेक्ट करके रखा, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो बढ़ावा नहीं दिया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे आपको फायदा से ज़्यादा आपको नुकसान हुआ, ठीक है, इसका बेनिफिट्स भी हुआ नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा इसको नुकसान हुआ। इसीलिए है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी के चलते, ठीक है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के चलते आपको एक्सपोर्ट भी जो है आपको कम हुआ, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव गुड्स जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाया, जो कि मार्केट में आपको एक कंपटीशन दे सके, जो वर्ल्ड मार्केट में, चूंकि इंडियन मार्केट की बात नहीं, वर्ल्ड मार्केट में आपको एक कंपटीशन दे सके और चीप रेट पे, सस्ता में और अच्छा क्वालिटी का गुड्स जो है वो मिल सके, क्योंकि कंपटीशन था नहीं, ऐसा अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। आई होप कि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।